हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे जनवरी महीने के करंट अफेयर्स जो कि इसी श्रृंखला का भाग पहला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। मशहूर अभिनेता ओम पुरी, इनका 6 जनवरी 2017 को निधन हो गया। वह 66 वर्ष के थे। ओम पुरी इन्हें 1990 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 1981 में इनकी फिल्म आरोहन के लिए तथा 1983 में इनकी फिल्म अर्धसत्य के लिए इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर से सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 104वें सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। यह एक वैज्ञानिक संगठन है जिसकी स्थापना 1914 में हुई थी। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जनवरी के पहले सप्ताह में किया जाता है। इसमें 30,000 से अधिक वैज्ञानिक सदस्य है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 104वें सम्मेलन का विषय था विज्ञान और राष्ट्रीय विकास के लिए प्रौद्योगिकी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने भारतीय मूल के प्रोफेसर शंकर बाला सुब्रमण्यम को नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया है। शंकर बाला सुब्रमण्यम विज्ञान और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। प्रोफेसर डेविड आर सिम्बिल, इन्हें संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पेमा खांडू, इन्हें अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। 6 जनवरी 2017 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीप पर्यटन महोत्सव का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लाभ हेतु मातृत्व लाभ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अभिनेता ऋषि कपूर, इनकी ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला 15 जनवरी 2017 को प्रकाशित होगी। विश्व का सबसे ऊंचा पुल चीन देश में खुला है। इसकी ऊंचाई 1854 फुट है। इम्तियाज अहमद, पाकिस्तान के सबसे उम्रदराज क्रिकेट खिलाड़ी का 31 दिसंबर 2016 को निधन हो गया। वह पाकिस्तान के पहले टेस्ट विकेट कीपर थे। उनकी उम्र 88 साल की थी। भारत के मशहूर टेनिस खिलाड़ी सोमदेव देववर्मन, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। सोमदेव देववर्मन को 2011 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कुश भगत, यह शतरंज खेल से संबंधित है। हाल ही में इन्होंने पहली वेस्टर्न एशिया यूथ शतरंज चैंपियनशिप में सभी तीनों स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। डॉक्टर सत्यनारायण को 26वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। बिहारी पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1991 में हुई थी। विराल आचार्य, इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में न्यूयॉर्क पुलिस विभाग ने सिख अधिकारियों को दाढ़ी बनाने और पगड़ी पहनने की अनुमति दे दी है। शशिकला, इन्हें अन्नाद्रमुक पार्टी के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पूर्व केंद्रीय गृह सचिव अनिल बैजल को दिल्ली के 21वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया है। अनिल बैजल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में गृह सचिव के पद पर नियुक्त किए गए थे। चीनी और नेपाली सेनाओं के संयुक्त सेनाभ्यास का नाम प्रतिकार एक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। हम जल्दी इसी श्रृंखला का भाग 2 लेके आएंगे, तो प्लीज हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।